आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की। जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, यहाँ पर ग्राम सलकनी में श्री कृष्णानंदन गौतम जी महाराज की अमृत कथा चल रही है। हमारा यहाँ पर आना हुआ, मन में विचार आया कि क्यों ना इस अमृत रस का पान अपने दर्शकों को भी कराया जाए। तो चलिए करते हैं कथा के अमृत रस का पान। तो खाते बोली राधे राधे। तो जो वर्णिकारण्य के जो ऋषि महात्मा थे, बाद में उन्होंने विचार ये किया कि प्रभु हमारा अच्छा हुआ आपने गंभीर कर दिया, पर हम ये जानना चाह रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि माता जानकी जितने आपके निकट है उतना तो हम हो नहीं पाते। भगवान ने कहा भैया स्त्रियों का समर्पण ज्यादा होता है, माताओं के जीवन में समर्पण भाव ज्यादा होता है। अरे पति थोड़ा कूर भी हो, दुष्प्रवृत्ति का भी, तब भी माताएं हमारी सेवा करती हैं। उनके अंदर ध्यान एक बार समर्पण कर दिया तो माता पिता जन्म कितने बेटी डोली जा रही है, अर्थी आना चाहिए। बोली राधे राधे। तो वो उसी से अपना निर्वाह करती, ऐसा उनका समर्पित भाव होता है। ऐसी लक्ष्मियों का, ऐसी माताओं का, ऐसी बहनों का, ऐसी बहुओं का सबको आदर करना चाहिए, यदि समर्पित। और ऐसे पुरुषों को भी धिक्कार है कैसी पवित्रता नारी जिन दुष्प्रवृत्ति के पुरुषों को अपना पति है भैया परमेश्वर मानकर उन पर मर रही है, वो कहीं और मर रहे हैं। ऐसे आते फेट बराती पीते मजरा लाज नहीं आती, घर की धरनी का ना ध्यान धरेंगे, जो अपनी धरनी घर की जो लक्ष्मी उसका विस्मरण करके परस्त्री के ऊपर दृष्टि डालते हैं, ऐसे पापियों का नरक में बहुत उत्पीड़न होता है महाराज, उनका सब बेकार हो जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं और सुपुराण में भी कहा कि गाँव में दुष्टता में ध्यान, गौ माता पीछे के भाग से पवित्र होती है, ब्राह्मण के चरण पवित्र होते हैं, घोड़े का मुंह पवित्र होता है, अगर कोई वस्तु झूठी हो जाए तो घोड़े को उसमें गुड़ वगैरह करके खिला दो तो पवित्र हो जाती है। जीव हर जीव किसी न किसी अंग से पवित्र है, हर जीव किसी न किसी अंग से पवित्र है। गाँव गौ माता पीछे से पवित्र है इसलिए पूंछ पकड़कर दान दिया जाता है, लेकिन शिवपुराण में कहा पतिव्रता नारी के तो नख से सिर तक पूरा अंग पवित्र। ताली बजाओगे अपने। तो पतिव्रता नारी क्या है जो नख से सिर तक पवित्र है, ऐसी देवियों का जो स्मरण करके परस्त्रीगामी होते हैं उन पुरुषों का नरक में बहुत अच्छे से मरम्मत होती है महाराज। बोली राधे राधे। तो राम जी से सारे वर्णिकारण्य के ऋषि कह रहे हैं उनके भगवान माता जानकी का आपने कितना समर्पण है, तो फिर क्या चाहते हैं महात्मा, हम चाहते हैं हो जाए। तो भगवान बोले पुरुष शरीर में ऐसा नहीं होता, पुरुष उतना समर्पित नहीं हो पाता। महात्मा बोले बोले प्रभु हमें शरीर से मतलब नहीं इसलिए बना दो, हम तो आपकी बनना चाहते हैं। महात्मा के बोले ठीक है आशीर्वाद है, अभी तो मर्यादा में आए हैं, जब से छबलिया कन्हैया बन के आएंगे ना कन्हैया तो सब स्वीकार होगा। तो वही वर्णिकारण्य के जो बड़े बड़े अमरात्मा विमलात्मा संत सन्यासी ज्ञानी मुनि ध्यानी महात्मा थे वो सब ब्रज में आकर गोपियों का वेश धारण कर लेते हैं। गोपी क्या है जिसके प्रत्येक इंद्रिय से जो केवल कृष्ण रस का पान करे, हर इंद्रिय जिसकी केवल कन्हैया को चाहे, कन्हैया से कुछ ना चाहे,
प्रेम जो होता है ना, वहां प्रेमास्पद कैसे प्रसन्न होंगे, बस वो ध्यान दिया जाता है, अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। समर्पण जहाँ होता है, प्रेम जहाँ होता है, तो उनकी खुशी किसमें है, उसका ध्यान दिया जाता है। तो वो सब सारे ऋषियों का जो आज गोपियां बनकर ब्रज में आए हैं, उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान ने आज बांसुरी बजाई। सुखदेव जी ने कहा, भगवान पिता रात्रि सरदो फुल्ल मल्लिका वीक्षा सीदी राम माधव्यो नपा। भगवान ने कामदेव को आमंत्रण दिया, क्योंकि जब से कामदेव को बड़ा अभिमान था कि हमने अच्छे अच्छे को ठिकाना लगा दिया, हमने अच्छे अच्छे की समाधियां बिगाड़ दी, तो भगवान ने पहले ही आमंत्रण कामदेव को दिया। तो कामदेव से कहा, तुम्हारा स्वागत है लीला में। कामदेव कहने लगा, प्रभो ये तो बढ़िया करा आपने, हम अपना जादू आप पर भी चलाना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा, अच्छा हम भी जादू चलाना चाहते हैं, बताओ कैसा चाहते हो। कामदेव बोले, प्रभु दो प्रकार की लड़ाई होती है, एक तो होती है किले की और एक होती है मैदान। किले की लड़ाई कैसी है? किले की लड़ाई ऐसी है कि आप किले पे बैठ गए, आपने बंदूकों की नालियों को चित्र से बाहर निकाल ली, आप सुरक्षित हो और बात कर रहे हैं, ये हुई किले की लड़ाई। और मैदान लड़ाई शत्रु के एकदम आमने सामने होकर दोनों एक जैसे ही और लड़ रहे हैं। कामदेव बोले कि जो व्यक्ति समाधि में आंखें बंद करके बैठ जाए, अब बाहर कुछ देख ही नहीं रहा है, तो उसके अंदर हलचल मचेगी कैसे? उस पर हम जब वार करते हैं तो किले की लड़ाई मारे। भगवान बोले, फिर बोले हम तो ये चाहते हैं कि उसके नेत्र खुले हो, हम जो कुछ भी करना चाहे वो सब लीलाओं को देखे, फिर तो वो दिखे गए। भगवान बोले, ठीक है मैदान की लड़ाई करेंगे। भगवान के लिए कामदेव जी से कि सुनो, इस बार सारी बातें तुम्हारे पक्ष में होंगी। वैसे तो रात्रि के समय में काम ज्यादा जागृत होता है, उसमें भी शरद, उसमें भी पूर्णिमा जो होती है, जब चंद्रमा अपने विशेष आकार में बनते हैं तब काम और ज्यादा प्रभावित होता है, पर उसमें भगवान का सुनो, इसमें भी शरद पूर्णिमा की रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका, बोले सारी चीजें तुम्हारे पक्ष में, रात्रि तुम्हारे पक्ष में, और सुनो मैदान की लड़ाई होगी। और कामदेव से कहा कि तुमको जो कुछ अपने हथियार लगाने, जितने वाहन हैं, मोहन स्तंभन मारन चाटन सब लगा दे, जितनी शक्ति पूरी लगा देना, बाद में मत बोलना ये वहां रहे, बोले रहते हैं। पूरी शक्ति से बाहर कर मैदान की लड़ाई भगवान ने कामदेव से स्वीकार कर। और गोपियों की सुंदरता कितनी है महाराज, बोले राधे राधे। कहा, पूरे संसार की सुंदरता को इकट्ठा करो, तब जाकर ब्रज की एक गोपी बनती है, और ब्रज की पूरी गोपियों की सुंदरता इकट्ठा करो, तब राधा रानी की जो अष्ट सखियां हैं वो बनती है एक अष्ट सखी, और अष्ट सखी की सुंदरता इकट्ठा करो। कहा कि सूर्य की जितनी भी अप्सराएं हैं ना, मैंने कहा थी सबकी सुंदरता इकट्ठा करो, तब जाके राधा रानी की एक सखी बनती है, और राधा रानी की जो सखियां हैं उनकी सुंदरता इकट्ठा करो, तब जाके श्री जी का एक अंग बनता है नाम के द्वारा, इतनी सुंदर है श्री किशोर से। तो राधा रानी की बरसाने वाली की, क्योंकि राधा रानी भगवान जब मोहनी रूप रखा उसके बाद सूर्यदेव ने पुत्री बनाना चाहा, तो सुंदरता कितनी होती, भगवान जब मोहिनी बने तो वो सुंदरता कितनी होती। ऐसी ऐसी गोपियां महाराज में प्रवेश पा रही महाराज। कामदेव से कहा, तुम भी बिल्कुल, और अब भगवान ने जब वेणु निनाद किया और गोपियों कान में जैसे ही वह दब पड़ा, तो कोई दूध दे रहे थे, दूध होते तो खाते, बोली राधे राधे। तो जो वर्णिकारण्य के जो ऋषि महात्मा थे,
बाद में उन्होंने विचार ये किया कि प्रभु हमारा अच्छा हुआ आपने गंभीर कर दिया, पर हम ये जानना चाह रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि माता जानकी जितने आपके निकट है उतना तो हम हो नहीं पाते। भगवान ने कहा भैया स्त्रियों का समर्पण ज्यादा होता है, माताओं के जीवन में समर्पण भाव ज्यादा होता है। अरे पति थोड़ा कूर भी हो दुष्प्रवृत्ति का भी तब भी माताएं उनकी सेवा करती हैं, उनके अंदर ध्यान एक बार उन्हें समर्पण कर दिया तो माता पिता जन्म कहते बेटी डोली जा रही है अर्थी आना चाहिए। बोले राधे राधे, तो वो उसी से अपना निर्वाह करती, ऐसा उनका समर्पित भाव होता है। ऐसी लक्ष्मियों का, ऐसी माताओं का, ऐसी बहनों का, ऐसी बहुओं का सबको आदर करना चाहिए, यदि समर्पित। और ऐसे पुरुषों को भी धिक्कार है, कैसी पवित्रता नारी जिन दुष्प्रवृत्ति के पुरुषों को अपना पति है भैया, परमेश्वर मानकर उन पर मर रही है, वो कहीं और मर रहे हैं। ऐसे आते फेट बराती पीते मदरा लाज नहीं आती, घर की धरनी का ना ध्यान धरी हुई, जो अपनी धरनी घर की जो लक्ष्मी उसका विस्मरण करके परस्त्री के ऊपर दृष्टि डालते हैं, ऐसे पापियों का नरक में बहुत उत्पीड़न होता है, मारा उनका सब बेकार हो जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं और सुपुराण में भी कहा कि गाँव में दुष्टता में ध्यान, गौ माता पीछे के भाग से पवित्र होती है, ब्राह्मण के चरण पवित्र होते हैं, घोड़े का मुंह पवित्र होता है, अगर कोई वस्तु झूठी हो जाए तो घोड़े को उसमें गुड़ वगैरह करके खिला दो तो पवित्र हो जाती है। जीव हर जीव किसी न किसी अंग से पवित्र है, हर जीव किसी न किसी अंग से पवित्र है, गाँव गौ माता पीछे से पवित्र है, इसलिए पूंछ पकड़कर दान दिया जाता है। लेकिन शिव पुराण में कहा पतिव्रता नारी के तो नख से सिर तक पूरा अंग पवित्र। ताली बजाओगे अपने, तो पतिव्रता नारी क्या है जो नख से सिर तक पवित्र है, ऐसी देवियों का जो स्मरण करके परस्त्रीगामी होते हैं उन पुरुषों का नरक में बहुत अच्छे से मरम्मत होती है। महाराज बोले राधे राधे, तो राम जी से सारे वंडकारण के ऋषि कह रहे हैं उनके भगवान माता जानकी का आपने कितना समर्पण है, तो फिर क्या चाहते हैं महात्मा, हम चाहते हैं। बंधुओं आज के लिए बस इतना ही, शेष फिर कभी अगले भाग में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।